हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे भारत में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है और इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सपना हर एक मनुष्य अपने जीवन में जरूर देखता है। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र में 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो, दर्शन कैसे कर सकते हो, आपको कितना दिन लगेगा ये 3 ज्योतिर्लिंग करने में, और साथ ही साथ आपका खर्चा कितना होगा वहाँ पर। तो एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि 5 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इन 5 ज्योतिर्लिंग में से 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। तो 5 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नासिक में है त्र्यंबकेश्वर, पुणे में है भीमाशंकर, संभाजीनगर जिसका नाम पहले औरंगाबाद था वहाँ पर है घृष्णेश्वर, उसके बाद पर्ली में है वैद्यनाथ और हिंगोली में है नागनाथ। तो हमारे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र में। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम क्या है और वो किस स्टेट में है वो भी मैं आपको फटक से बता देता हूँ। तो हम नॉर्थ साइड से चालू करेंगे। तो नॉर्थ साइड में है केदारनाथ जो कि है उत्तराखंड में, उसके बाद है काशी विश्वनाथ जो कि है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है वैद्यनाथ जो कि है झारखंड में, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम आएंगे गुजरात में, गुजरात में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और दूसरा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम आएंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। उसके बाद एकदम नीचे जाएंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम ट्रैवल करने वाले हैं बेसिकली वो बस से ट्रैवल करने वाले हैं या फिर शेयरिंग जीप से ट्रैवल करने वाले हैं, और मैं बजट में आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको जो सबसे पहले टूर प्लान बताऊँगा डे वाइज आपका टूर प्लान क्या होगा, उसके बाद मैं आपको डे वाइज बजट बताऊँगा। तो हम अपनी यात्रा का आरंभ करने वाले हैं पुणे से। तो आप कहीं भी रहते हो आपको आना है पुणे। पुणे में रेलवे स्टेशन भी है, हमारे देश के मेजर जगह से आपको पुणे के लिए ट्रेन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो पुणे में एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक बार आप पुणे स्टेशन पहुंच गए उसके बाद आपको जाना है शिवजी नगर बस स्टैंड, और ये जो बस स्टैंड है बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ से आपको भीमाशंकर के लिए बस बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो पुणे से भीमाशंकर का डिस्टेंस लगभग 110 किलोमीटर है, आपको बस मतलब हमेशा मिलते रहेगी आधे एक घंटे के फ्रीक्वेंसी पे। तो 100 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है तो हमको लग जाएगा 2.5 से 3 घंटा। भीमाशंकर पहुंच जाइए और भीमाशंकर पहुंचने के बाद आप जाइए लाइन लगाइए दर्शन कीजिए। अगर आप सैटरडे संडे या मंडे जाते हो तो आपको 3.5 से 4 घंटा लग सकता है दर्शन करने के लिए सावन महीने में। अगर आप नॉर्मली जाते हो ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा दर्शन करने के लिए, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस दिन जा रहे हो। तो भीमाशंकर हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वां ज्योतिर्लिंग है, दर्शन कीजिए आप। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ पर 2 प्रमुख स्थल है और है जो आपको विजिट करना चाहिए। एक तो है गुप्त भीमाशंकर, उसके लिए आपको 40 से 50 मिनट का ट्रेक करना पड़ता है जंगल में, जो इतना कठिन नहीं है, मतलब नॉर्मल है, आप जा सकते हो। गुप्त भीमाशंकर वो जगह है कि जो मेन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है मतलब जो शिवलिंग है वो इधर ही है, ये जंगल में है और यहाँ पर नदी से पानी गिरते रहता है जो शिवलिंग पे हमेशा गिरते रहता है, तो वहाँ पर हमेशा अभिषेक होते रहता है। तो गुप्त भीमाशंकर आपको ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरा जो जगह है वो है भीमा नदी का उगम स्थल, तो जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, भीमा नदी का उगम होता है। तो आप जाइए भीमा नदी का उगम स्थल भी देखिए। इसी के साथ आपका भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया, तो आप वापस से बस पकड़ लीजिए भीमाशंकर से पुणे के लिए, और पुणे में आइए और पुणे में आप स्टे कीजिए। इसी के साथ आपका डे 1 ख़त्म। 3 ज्योतिर्लिंग के अलावा महाराष्ट्र में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि है शिरडी, यानी कि शिरडी के साई बाबा। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी हमारे इस टूर प्लान में शामिल होने वाला है। उसके बाद डे 2 आएगा, डे 2 को हम जाने वाले हैं पुणे से नासिक। तो पुणे से नासिक का डिस्टेंस लगभग 215 से 220 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे, यानी कि आपका आधा दिन ही ख़त्म हो जाएगा ट्रैवलिंग में। तो या तो बस आपको नासिक रोड बस स्टैंड पर छोड़ेगी या तो नासिक सीबीएस बस स्टैंड पर छोड़ेगी, दोनों ही जगह से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो नासिक पहुँचने के बाद आप बस पकड़िए त्र्यंबकेश्वर के लिए और त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाइए। नासिक रोड बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, और जो नासिक जो मेन सिटी है वहाँ से
उस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जाइए त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, और यहाँ पर आपको भी नॉर्मली वही टाइम लगेगा, 2.5-3 घंटे या 4 घंटे, वो डिपेंड करता है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये हमारे भारत का 8वां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात है कि ये 3 मुखी ज्योतिर्लिंग है, यानी कि 3 मुख यानी कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ पर और भी प्लेसेस है जो आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पर कुशावर कुंड है, वहाँ पर आप जा सकते हो। मोस्टली लोग वहाँ पर जाते हैं, नहाते हैं और फिर दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो कि ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक पीछे साइड आपको एक पर्वत दिखेगा जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत है। और ब्रह्मगिरी पर्वत भी बहुत ही प्रमुख स्थल है वहाँ पर, क्योंकि यहीं से गोदावरी नदी का उगम होता है, और यहाँ पर शंकर भगवान जी ने अपनी जटा पटकी थी। यहाँ पे जटाशिव मंदिर है, और यहाँ पर ऋषि गौतम ने तपस्या की थी शंकर भगवान जी की। त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही आपका डे 2 खत्म हो जाएगा। या तो फिर आप त्रिंबकेश्वर या तो फिर आप नासिक आ जाइए, और नासिक में आपको बहुत सारे रहने के ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर स्टे कीजिए। डे 3 को हम लोग जाने वाले हैं शिरडी, तो नासिक से आप जाइए शिरडी, बहुत सारी बसेस आपको नासिक से शिरडी के लिए मिल जाएगी। जाइए आप शिरडी दर्शन कीजिए। शिरडी में दर्शन करने का आपका वही, अगर आप गुरुवार को जाते हो और संडे को जाते हो तो आपका 3.5-4 घंटा लग जाएगा, बाकी दिन जाते हो तो आपका 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। तो शिरडी बाबा के दर्शन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ब्लेसिंग दीजिए। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर और एक जगह है जो कि है शनि सिंगापुर, जो बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर स्वयं शनि भगवान उधर पे विराजमान है। टैक्सी मिल जाएगी आपको, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको शेयरिंग में जीप मिल जाएगी, दो आई थिंक आने जाने का दोनों का 200-250 रुपये लेती है। तो आप जाइए दर्शन कीजिए और फिर वापस आइए शिरडी में, और फिर शिरडी में आप स्टे कीजिए। इसी के साथ आपका डे 3 ख़त्म हो जाएगा। यात्रा का 4वां दिन, और हम लोग शिरडी से जाने वाले हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो डिस्टेंस लगभग शिरडी से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का अबाउट 100 किलोमीटर है, तो आपको बसेस मिल जाएगी, तो बस पकड़ लीजिए, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भारत का जो सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पर भी आपको 1.5-2 घंटा नॉर्मली लग जाएगा दर्शन करने में। और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बगल में यानी कि 0.5-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है एलोरा केव। एलोरा केव बहुत ही फेमस जगह है, बाहर बाहर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। तो आप एलोरा केव देख सकते हो, उसका टिकट आई थिंक 25-30 रुपये कुछ टिकट है उसका, तो बहुत ही अच्छा है ये जगह है एलोरा के, जरूर इसको आप देखना, मिस मत करना। उसके बाद हम जाएंगे संभाजी नगर और वहाँ पर स्टे करेंगे, और हमारा डे 4 इसी के साथ ख़त्म, यानी हमारी यात्रा ख़त्म। ये तो हो गया हमारा 4 दिन में 4 प्रमुख स्थल महाराष्ट्र के घूमने का टूर प्लान। अब हम बात करने वाले हैं कि ये 4 जगह पे आपका खर्चा कितना आएगा। खर्चे में इंक्लूड होने वाला है आपका ट्रांसपोर्ट का, जो बेसिकली नॉर्मल बसेस का या फिर शेयरिंग गाड़ी का होने वाला है। दूसरा होने वाला है होटल का, पर पर्सन होटल का। और तीसरा होने वाला है फूड का। तो मैं जो बजट बता रहा हूँ पर पर्सन बता रहा हूँ कि अप्रॉक्स पर पर्सन आपका कितना हो सकता है। और मैं ऐसा मान के चलो अगर आप अकेले भी आते हो तो आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो डे 1 का आपका कितना खर्चा जाएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पुणे स्टेशन हम पहुँच गए, पुणे स्टेशन से हम जाएंगे शिवाजी नगर बस स्टैंड। तो उसका कुछ होता है बाय बस जाएंगे तो 15 रुपये के आसपास होता है पर पर्सन। उसके बाद हम शिवाजी नगर बस स्टैंड से भीमाशंकर के लिए बस लेंगे, तो उसका कॉस्ट होता है लगभग 150 से 200, में 200 पकड़ लेता हूँ। तो हम पहुँच जाएंगे भीमाशंकर, फिर वापस वहाँ से आएंगे 200 रुपये में, तो आपका खर्चा आएगा लगभग 400 रुपया पकड़ लेता हूँ, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा लगभग 400 रुपया। उसके बाद होटल का खर्चा, तो मैं जो खर्चा बता रहा हूँ ना एक नॉर्मल से होटल का खर्चा बता रहा हूँ, तो नॉर्मल सा होटल आपको ठीक ठाक होटल आपको 700-800 रुपये में मिल जाता है, तो मैं 700 रुपये ही पकड़ूंगा होटल का। तो 700 रुपये आपका होटल का खर्चा हो गया, और फूड का आपका खर्चा पूरे दिन का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पकड़ के आपका 500 रुपये मैक्स 500 रुपये जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। तो आपका हो गया 700, 500, 1200 और 400 का खर्चा, यानी कि 1600 रुपये के आसपास आपका डे 1 का खर्चा हो गया। बात करते हैं डे 2 के खर्चे की। तो पुणे से नासिक का डिस्टेंस 220 किलोमीटर के आसपास है, तो बस का खर्चा मैं पकड़ लेता हूँ 350 या 400 रुपये के आसपास होगा, मैं 400 रुपये पकड़ लेता हूँ मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और फिर हम नासिक पहुँचने के बाद हम त्रिंबकेश्वर जाएंगे, उसका खर्चा होगा लगभग 50 रुपया, तो 450 हो गया। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप नासिक में स्टे करने वाले हो, तो त्रिंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद आप नासिक फिर से आओगे तो उसका आपका फिर से 50 रुपया हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका 500 रुपया खर्चा हो गया है ट्रांसपोर्ट का डे 2 का, और फिर फूड का खर्चा होगा डे 2 का आपका सेम 500 रुपया, और होटल का जैसा मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल सा होटल आपको 700 रुपये में मिल जाएगा, तो मैं 700 रुपया होटल का भी पकड़ लेता हूँ, तो 700, 500, 1200 और 500, 1700, तो 1700 रुपये से लेकर 1800 रुपये में पकड़ लेता हूँ मैक्स आपका खर्चा हो जाएगा डे 2 का। अब बात करते हैं डे 3 की। तो नासिक से हम लोग जाएंगे शिरडी, तो उसका खर्चा होगा लगभग मैक्स 200 रुपये होगा। और फिर शिरडी के बाद हम लोग शनि सिंगापुर जाने और वापस आने वाले हैं शिरडी,
तो उसका आने जाने का खर्चा होता है लगभग 200-250 रुपये, मैं 250 रुपये पकड़ लेता हूँ। तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा सिर्फ 450 रुपये डे 3 को। उसके बाद आपका खाने का खर्चा हो गया है 500 रुपये, और आपका तीसरा खर्चा होगा होटल का, तो 700 रुपये फिर से मैं होटल का पकड़ लेता हूँ। तो डे 3 का आपका खर्चा होगा लगभग 1600 रुपये से 1700 रुपये, मैं 1700 रुपये पकड़ लेता हूँ मैक्स। डे 4 के खर्चे की बात करते हैं, हम लोग जाएंगे सिडनी से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो उसका खर्चा होगा मैक्स 200 रुपये, और वहाँ पर फिर अजंता एलोरा क्यों जाएंगे, वहाँ पर आपको एंट्री फ़ी पे करना पड़ेगा कुछ 30 रुपया, वो भी पकड़ लेता हूँ 230। उसके बाद फिर वापस हम वहाँ से आएंगे संभाजी नगर और वहाँ पर स्टे करेंगे। तो संभाजी नगर वहाँ से आने का आपका खर्चा होगा लगभग 60 रुपया, तो मैं 60 रुपये पकड़ लेता हूँ, यानी कि आपका 300 रुपया हो गया ट्रांसपोर्ट का खर्चा डे 4 का, और फूड का आपका हो गया 500 रुपया, फिर से 500, 300, 800, और रहने का आपका 700, यानी कि 1500। डे 4 का आपका खर्चा जाएगा 1500 रुपये के आस। तो अभी मैं टोटल खर्चा बता देता हूँ, डे 1 का इतना है, डे 2 का इतना है, डे 3 का इतना है, डे 4 का इतना है, तो टोटल इतना खर्चा हो गया जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये खर्चा है अप्रॉक्स पर पर्सन। अगर आप खुद की गाड़ी से घूम रहे हो पूरा, मतलब तो आपका पेट्रोल का खर्चा आपका जाएगा ट्रांसपोर्ट में, बाकी होटल और फूड का तो नॉर्मली उतना ही रहने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ये इतना इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग के बारे में, वो आपको कैसा लगा, और आपको हेल्पफुल हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।